जोड़े वो दंपत्ति जेडे के संतान दे सुख तो वांझे रह जांदे आ, उन्हां दे इलाज दे लई जिहड़ियां बेहतरीन विधियां साडे मुल्क दे विच, पंजाब दे विच, जलंधर दे विच, साडे केंद्र दे विच उपलब्ध हन, उन्हां विचों सब तो बेहतरीन विधि IVF टेस्ट ट्यूब बेबी बारे अज विस्तार पूर्वक मैं गल करांगा। अते अज तुहानू असीं IVF विधि किद्दां हुंदी आ ये लाइव तुहानू मैं लै के चलांगा अपने IVF थिएटर दे विच अते IVF रिसर्च लैब दे विच। पहलां तो मैं ये दस देवां कि टेस्ट ट्यूब बेबी किन्ना मरीजां दे विच करी दी आ। 100 दे करीब मरीज आन साडे केंद्र दे विच, ते 80 तो 90 दे विच ते एक बड़ी सधारण विधि आ IUI, इहदे राहीं उसका इलाज कर देता है। लेकिन 10% मरीज जिन्हां दे विच औरतां दे विच दोवें ट्यूबां बंद होण, घर वाले दे विच शुक्राणु की मात्रा घट होवे, जां होर विधियां राहीं उहदा इलाज किया गया होवे ते उहनूं संतान सुख ना मिली होवे, ये 3-4 कैटेगरीज आ जिन्हां विच के टेस्ट ट्यूब बेबी जां IVF किया जाता है। आओ चलिए अज अपने केंद्र दे IVF थिएटर दे विच, जिथे असी देखांगे अंडे अंडकोश दे विच बना के उन्हां नूं बाहर कढ़दे हुए दिखाया जाऊगा, अते फिर साडी लैब दे विच जिथे के इन्हां अंडियां नूं शुक्राणुआं नाल मिला के उन्हां नूं ग्रो किया जाऊगा। इस मरीज के हुण अंडे कढ़े जा रहे हैं, तुसीं देख रहे हो इस स्कैन दे उत्ते जिन्ने भी है 1, 2, 3, 4 एग्स ने, जिन्हां नूं असीं एक एक करके साडे गायनोकोलॉजिस्ट ने अंडे कढ़ने आ। वह अंडे फिर इस ट्यूब दे विच आ जाने आ। तुसीं देख रहे हो कि इस ट्यूब दे विच वो सारे एग्स फॉलिकुलर फ्लूइड दे विच आ रहे हैं। तो इस पेशेंट दे 16 अंडे तैयार किए असी, जेडे कि तुसी एक एक करके सारे गायनोकोलॉजिस्ट ने कढ़ने, वो सारे फ्लूइड दे विच हुंदे हुए इस फॉलिकल पिकअप नीडल च हुंदे हुए हुण इह तुसी देख रहे जे सारे एग्स इस ट्यूब दे विच आ गए ने। इस तो बाद असी इन्नू अपने IVF थिएटर दे जिहड़े IVF लैब आ उहदे विच लै के जांदे। हुण तुसीं देखिया कि किस तरीके नाल साडे इस IVF थिएटर दे विच साडे एक्सपर्ट्स ने अंडे बाहर कढ़े टेस्ट ट्यूब बेबी विधि वास्ते। वो सारे अंडे जिहड़े असीं इस थिएटर दे विच बाहर कढ़े सन इस ट्यूब दे विच आ गए ने। इस ट्यूब दे विच फॉलिकुलर फ्लूइड अते अंडे दोवें हैगे ने। हुण इस फ्लूइड नूं मैं लै के चलांगा अपने बेहतरीन IVF रिसर्च लैब दे विच, जिथे कि इहनूं साडे एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के थले अंडियां दी निरीक्षण करनगे, जिहड़े बेहतरीन अंडे आ उन्हां नूं कढ के टेस्ट ट्यूब विधि वास्ते अगे लै के जाण। सो तुसीं देखिया भी वह अंडे जिहड़े कि असीं अपने थिएटर च कढे सन वह हुण साडे IVF लैब दे विच आ गए हन। हुण साडे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस नूं इस माइक्रोस्कोप के थले देखणगे अते जिहड़े सब तो वधिया गुड क्वालिटी एग्स आ वह आइडेंटिफाई करके उन्हां नूं IVF विधि वास्ते अगे लै के चलणगे। यह माइक्रोस्कोप के थले असीं ये अंडियां नूं चैक करन तो बाद इस मरीज दा जिहड़ा घर वाला है उहदे शुक्राणु लवांगे, उहनां नूं इस अंडियां दे कोल छड्ड दांगे अते उह आपस च मिल जाणगे, बच्चा ठहर जाऊगा। इस इनक्यूबेटर दे विच उहो जिहा ही माहौल हुंदा है जिहो जिहा बच्चेदानी दे विच हुंदा है, अते भरूण जां बच्चे इस इनक्यूबेटर दे विच ही ग्रो करदे हन, जिस दे विच कि उन्हां नूं तापमान गैसेस ते होर न्यूट्रीशन वगैरह फूड उन्हां दा उसना दा ही मिलदा आ जिस नाल कि एक बच्चेदानी दे विच हुंदा आ। इस इनक्यूबेटर दे विच शुक्राणु अते अंडे मिलन तो बाद एक सैल तो दो सैल अते दो सैल तो चार सैल स्टेज ते पहुँचते हैं। इस स्टेज ते पहुँचन वास्ते उन्हां दे 48 घंटे लगते हैं। इन्हां 48 घंटियां दे विच उन्होंने इस इनक्यूबेटरां दे विच ही ग्रो करना जो कि एक बच्चेदानी दे वांग ही हुंदे आ। 48 घंटियां बाद असीं वो 4 सैल जां 8 सैल स्टेज दा जिहड़ा भरूण आ एम्ब्रियो आ उहनूं असीं वापस अपने थिएटर दे विच लै जाईदा आ, ऑपरेशन थिएटर 'च, जिथे कि उहनूं साडे जिहड़े लेडी डॉक्टर आ एक्सपर्ट्स ने उहनां ने वो 4 सैल 8 सैल स्टेज दे एम्ब्रियोज़ नूं वापस बच्चेदानी 'च पाउणा।
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਿਸਰਚ ਕੇਂਦਰ ਬੇਔਲਾਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ IVF ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ।